शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने ग्वालियर अस्पताल में 972 नए पदों की स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होने पर किसानों को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया। प्रदेश में 45 नए दीनदयाल रसोई केंद्र शुरू करने का फैसला हुआ है। साथ ही एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए योजना की स्वीकृति दी गई। आज जो महत्वपूर्ण निर्णय है इनमें नगरीय क्षेत्रों में जो शासकीय भूमि के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में जो पट्टे दिए जाने थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी, उसको दिए जाने का निर्णय लिया है। इसमें खासकर वो लोग जैसे हमारे सिंधी समाज के काफ़ी लोग बाहर के आ गए थे, उन लोगों के आने वाले पट्टे भी हैं। इसमें जो 8/12/2022 को मंदसौर ज़िले के नगरीय क्षेत्रों के भूमि अधिकार योजना के प्रीमियम कम किए जाने वाला भी विषय इसमें है। आवासीय भूखंड जो 200 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के लिए हैं उसमें बाजार मूल्य का 1% के बराबर पर ब्याज लेकर भूभाटक देने का भी इसमें कैबिनेट के द्वारा तय किया है। इसी तरह से 19 मई 2022 के जो मुख्यमंत्री नगरी भू अधिकार योजना के जो नगरी क्षेत्रों के पट्टे हैं और शासकीय भूमि पर कागज व्यक्तियों के पट्टे हैं उस अवधि में वृद्धि कर 31 दिसंबर 2014 तक बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 करने संबंधी घोषणा के अनुसार भी इसमें संशोधन लिया गया है। इसमें दूसरा एक जो विषय काफ़ी है जिसमें हम हिंदुस्तान में नंबर वन हैं कि वो जो फसलों की क्षतिपूर्ति है, जो ओले पड़ जाते हैं, पाला पड़ जाते हैं, बाढ़ पड़ जाए, सूखा पड़ जाए जैसी स्थितियों में जो RBC की 6-4 राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत जो फसल क्षतिपूर्ति की सहायता है उनके मानदंडों में भी अब संशोधन किया है। उसमें जो संशोधन किया गया है उसमें 25 से 33 वाले जो फसल क्षति का है और 33 से 50 की फसल क्षति का है और 50% से अधिक होने पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये 100% माना। पहले जो 5,000 रुपया दिया जाता था उसे बढ़ाकर अब 5,500 दो हेक्टर से कम वाले को, जिसे हम लघु सीमांत कहते हैं। इसी तरह से सिंचित फसलों में जो 9,000 के स्थान पर 9,500 रुपया, 33 से 50 में 8,000 के स्थान पर 8,500 रुपया और सिंचित फसलों में 15,000 के स्थान पर 16,000 रुपया, 50% से अधिक पर 16,500 के स्थान पर 17,000 रुपये, सिंचित फसल के लिए 30,000 के स्थान पर 32,000 रुपये और 12 मासी। इस तरह से ये राशि पूरी RBC 6-4 में संशोधन करके बढ़ाई गई है। इसमें सब्जी मसाले ये सब बोल की भूसी इन सब में राशि बढ़ाई गई है।